सर बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो, यानी इंसान कई बार वो दुआ नहीं जानता। तो मैं आपको बताऊं कि आपको हर वक्त वो दुआ करनी चाहिए कि जिस वक्त आपको मौत आए, तो बेशक बीवी एक नेमत है, तो जिस वक्त आपको मौत आए तो आपकी बीवी उस वक्त, या बीवियां, आपकी बीवियां उस वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद हों, क्योंकि बीवी बुढ़ापे में वाहिद वो सहारा रह जाता है, मशवरे उसकी अपनी जगह के वो गलत देती है, या उस बेचारी के पास इतनी अकल नहीं होती कि वो आपको मशवरा दे सके। मगर जिस वक्त आपको मौत आए तो आपकी बीवी आपके सरहाने या बीवियां होनी चाहिए। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी बीवी की मौजूदगी में खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। तो ये सुनकर एक साहब थे, उनकी दाढ़ी मौजूद थी, कहने लगे भाई वो जो है जो उलमा है, मैंने कहा वो पाकिस्तानी उलमा बोला करो, वो कहते हैं सदा सुहागन। वो भाई ये हिंदुओं का डायलॉग है कि सदा सुहागन रहो। अगर हम अरब ममालिक की बात करें तो वहां पे दो दो तीन तीन शादियां नॉर्मली हो रही थी, और वो जिन हस्तियों को हम मानते हैं तो वो जिस वक्त इन दुनियों से गए हैं तो वो खवातीन उनके पास मौजूद थी जो उनके आखिरी सफर को आरामदेह बना सके। आई होप आप बात समझ रहे होंगे।